Welcome back to each and every one of you to Stevenson Makes It Easy, where I do my best to make your life a little less complicated with subjects related to accountancy and commerce. Before I get started with the agenda and task for the day, quick reminders. Because public is so bombarded with information. Almost all of us are on a digital device, most probably a mobile phone. And the amount of information, even this particular lecture, which is delivered through an online platform. Okay, there is such a lot of other information that you may most probably forget to get connected to us. So it's our request. Please do use our other social media handles to get connected to us for various other information. We do have a Facebook page, an Instagram ID, and a Twitter handle. ओके okay, जहाँ पे नॉर्मल चीज़ें पोस्ट की जाएगी आप अगर जुड़ जाओ तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा वेरी इंपॉर्टेंटली लाइक आई ऑलवेज से इज़ द टेलीग्राम चैनल गिवन अबाउ यू मे वर वॉइडस स्टीवन सर रिमाइंड अबाउट ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन बिकॉज आई हैव नो आइडिया विच ऑफ यू इज़ अटेंडिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इट बिकम्स माई ड्यूटी टू कंसिस्टेंटली Keep on reminding. The Telegram channel above is used to share the PDF of the question and answer of any chapter for any standard at the end of that chapter. So, if you are connected to the Telegram channel, you will be notified about the lectures which are uploaded, and all the data that is the question and answer in PDF format will be shared on that particular platform. So, my request please do get connected to the Telegram channel. अबाउ इफ यू हैव मिसड आउट वॉट द प्रीवियस लेक्चर सिंपल है एक कार्ड ऊपर दिया जा रहा है उसको क्लिक करना प्रीवियस पास्ट टेंस में जाना well, मतलब पास्ट टेंस के लेक्चर में चले जाना वॉच दैट एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ दिस वन अगर आपको बुक की खरीदारी करनी है विच इज ऑलवेज अ गुड आइडिया आई अंडरस्टैंड टूडेज डे एन इज द रिक्वायरमेंट इज सच वेर एवरीथिंग इज मूव ऑन टू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म बट वेन एवर इट कम्स टू रीडिंग अ क्वेश्चन द देर इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑफ मेकिंग मार्किंग्स इन दैट क्वेश्चन विच एल इज अ लिटल बट डिफिकल्ट ऑन अ डिजिटल डिवाइस इन अ पी डी एफ फॉर्मैट ओके सो इफ यू डू इंटेंट टू परचेज द टेक्सट बुक द परचेज लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो अगर आप तक आज ने सब्सक्रिप्शन करने का सब्सक्राइब करने का काम नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेलाइकन को वो घंटे को जरूर दबा देना क्यू सो दैट यू आर थ्रू द यूट्यूब चैनल आर ऑल्सो नोटिफाइड अबाउट वीडियो एंड लेक्चर्स विच आर अपलोडेड तो शुरू करते हैं गोड्स वी हैव बीन फॉर द पास्ट क्वाइट ऑफ यू लेक्चर्स आई हैीन ट्राइंग टू टीच यू एंड आई होप थोड़ा थोड़ा तो सक्सेसफुल में रहा हूँ विथ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंपसिस उसके अंदर दो चीजें आती है वन ऑफ देम बींग द बैलेंस शीट विच इज इन दर्टिकल फॉर्मेट ओके मैनी ऑफ यू और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू इन फ्यूचर ओके पढ़ाई लिखाई होने के बाद में वेन यू गो एंड वर्क समे और मे बी यू स्टार्ट यूर ओन थिंग खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करो ओके मेनी अ टाइम्स यू विल बी कनेक्टेड टू अ कंपनी how does a company prepare its balance sheet its trading pnl account is what this is being taught you for so de jo hai sir maine normal balance sheet padha hai ye sikhne ki kya zarurat hai because company इस भाषा में ये wordings के साथ में अपने accounts को handle करती है तो so, if you are going to a country जहां पे language आपका नहीं है मे बी इंग्लिश नहीं है हिंदी नहीं है मराठी नहीं है गुजराती नहीं है मलयालम नहीं है ओके बट इट इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज दैन इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया दैट यू नो उनकी भाषा नॉट फुल्ली बट एटलीस्ट जो मेन वर्डिंग्स है हाँ ये कंपनी की भाषा है वैन दे यूज़ द वर्ड इन्वेस्टमेंट्स वैन दे यूज द वर्ड टेंजिबल एसिड वैन दे यूज द वर्ड करंट एसिड्स टूडे समथिंग कॉल्ड एज क्विक एसिड्स ओके रिजर्व एंड सर्कुल्स ये कंपनी का Language here okay. Today, I will come back to this balance sheet in some time, but also you have been trained with coached with uh, a vertical revenue statement. This is a combination of trading account and profit and loss account. Okay, before I go ahead, this is what our concentration is to be upon. What is that? A balance sheet, not the entire balance sheet. मेन ध्यान हमारा करंट एसेट जो वर्किंग कैपिटल में आता है आई रिपीट लेट मी पॉइंट इट आउट दिस वन ओके कैश बैंक कंटिन्यू अबाउ डेट बिल रिसीवेबल स्टॉक प्रीपेड ये करंट एसेट है करंट लाइबिलिटी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो टेक्स्ट बुक की गलती है आउटसाइड एक्सपेंसेस नहीं है आउटस्टैंडिंग इज अ बेटर वर्ड bill payable bank overdraft okay so my main focus is not on the entire balance sheet is specifically on current asset and current liability i'll tell you why okay, okay. You all, that you other I mention, not because it is not required for the content the part of the chapter that i'm going to cover up today so important what am i teaching today okay let me very quickly introduce the part chapter is analysis of financial statement. There are three major parts. Part one was you learning how to calculate common size, how to calculate comparative, which I hope I have done my best to uh, explain it to you, and you have done your best to learn it from me. Today we do the second part. Well, we start the second. Part.

रेशोसर बेसिकली फॉर्मूलाज कितने एक्चुअली काफी है बैलेंस शीट रेशो ए बी इनकम स्टेटमेंट रेशो ए बी सी डी यू हैव लर्न अ बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में से जब कुछ नंबर्स लिए जाते हैं उसको कहते हैं बैलेंस शीट रेशो इनकम स्टेटमेंट आपने सीखा है ट्रेडिंग अकाउंट पेनल अकाउंट जब उसमें से कुछ नंबर्स लिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट रेशियो एंड जब कॉम्बिनेशन होता है सो व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन ओके कि एक नंबर बैलेंस शीट से एक नंबर रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट से दैट इज कॉल्ड एज मिक्सड रेशो और कंबाइंड रेशो टूडे बाकी पूरा तुम टेंशन मत लो बिल्कुल नहीं

ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस सबसे पहली बात रेशियो क्या होता है ओके थोड़ा थोड़ा नहीं आपने रेशोस ड्यूरिंग दिस ईयर बहुत बार हैंडल किए हैं थ्री इज टू टू फोर इज टू फाइव वन इज टू टू थ्री इज टू वन सो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सो मैनी टाइम्स यू हैव डन टू

अकाउंट्स में से दो नंबर ले लो इधर से इधर से आमने सामने रखो ओके okay? एंड जब उस रिश्ते को उनके बीच के रिश्ते को आप एक्सप्लेन करते हो उसको कहते हैं रेशो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वो रिश्ता जो है हुँ? एक नंबर ये एक नंबर ये टुडे वी आर गोइंग टू डू करंट रेशो करंट रेशो में क्या आता है एक तरफ करंट एसेट एक तरफ करंट लाइबिलिटी तो इनके बीच में रिश्ता हाउ डू यू टॉक अबाउट दैट रिश्ता आप एक्सप्लेन कैसे करोगे उस रिश्ते को दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू बी लर्निंग ओके मेरे पीछे ये जो दो दो जेंटलमैन है ओके okay. अज्यूम करो भाई वन भाई टू बड़ा भाई छोटा भाई टू ब्रदर्स टू ब्रदर्स यहाँ पे थोड़ी जगह कम है सो लेट मी जस्ट टेक द स्टोरी अ हेड अगे वट एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि रेशो विच इज अ मैथमेटिकल नंबर विच गिव यू अ रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटेंसी फिगर्स ये तो uh, टेक्स्ट बुक में दिया गया भाषण है सिंपल शब्दों में बताओ ना सर रेशो में हमको करना क्या है ओके okay. वही भाई नाम दे देते इट बिकम्स अ लिटिल ईजी Whenever, अगर आप किसी को बोलो ए eh, तू ए वो ए ये ए वो लंबा ए वो पतला वो बूढ़ा डजेंट साउंड गुड विल गिव नेम टू दीज टू पीपल फर्स्ट ब्रदर इज कॉल्ड एज सैम्यूल अदर इज कॉल्ड एज विलियम बिलो दैट आई एम राइटिंग वो कमाते कितना है तो सैम्यूल अर्न्स वन लाख रुपीज दैट्स वन फिगर विलियम अर्नस फिफ्टी थाउजेंड दैट इज वन फिगर now if you have to talk about 1 lakh and 50000 inki beech ka rishta bol sakte ho like example example hold on hold on. when i say rishta what do i mean by that um, there are many kind of relationships a father and a daughter a husband and a wife okay a brother and a sister बराबर सो देर आर ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हाउ डू यू एक्सप्रेस एवरी रिलेशनशिप हैज लव केयरिंग सपोर्ट हाउ डू यू एक्सप्रेस दैट लव वो लव को आप वो प्यार को आप जाहिर कैसे करते हो देर आर डिफरेंट वेस ओके बिकॉज इन सम टाइम आई हैव टू टू एक्सप्लेन यू को आप जाहिर कैसे हाउ डू यू स्पीक अबाउट अ रेशो क्या क्या वर्डिंग्स आपको यूज करने चाहिए ओके okay. गिविंग अब अबू के टू सम वन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव बिकॉज वेन यू केयर अबाउट सम वन देर इज एन इवेंट देर इज एन ओकेशन यू गिव अबूके हगिंग सम वन ओके ओब्वियसली डोंट नॉट द वंस जो यूट्यूब प्रैंक वीडियोज़ में होते हैं कि रस्ते पर जाके किसी को भी आजकल तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते ओके एक फटका मिलेगा ओके उससे ज़्यादा भी और कुछ बम्बू मिलेगा इफ यू हग समन ओके Obviously, somebody that you know among your family members that is also an expression of love. It can be a younger person, it can be a senior person. Okay, if you give a birthday card to someone, that is also an expression of love and concern and care. Or if you give a gift, meaning what whether you use a card, whether you use a gift, whether you use a hug, or whether you use bouquet or something else everything is trying to say i care about you i love you okay i uh, support you etc 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 so yes emotions okay can be expressed okay when you use these gestures similarly when you talk about ratio okay how do you एक्सप्रेस टॉक अबाउट यहां पे हम लोग किसके बारे में बात करना है एक भाई एक लाख कमाता है दूसरा भाई पचास हजार कमाता है मैंने बताया, किसी के गले लगना, किसी को एक कार्ड देना किसी को गिफ्ट देना ओके। वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं ओके रेशो तीन प्रकार के होते हैं थ्री टाइप्स पहले को कहते हैं प्योर रेशो व्हाट डज प्योर रेशो मीन देखो भाई अगर तुम एक साइड पे एक लाख रखेगा एक साइड पे पचास हजार रखेगा एंड यू विल कैंसिल इट नॉर्मली रेशो में वही किया है ना कैंसिल इट वट आंसर विल यू गेट यू विल गेट टू इज टू वन सो टू इज टू वन इज मैन्युफैक्चर्ड कम्स फ्रॉम वन लैख

आज नहीं है बट बता देता हूं मैं वट डू यू मीन बाय अ परसेंटेज रेशियो देखो इट इज द सेम विलियम का एक लाख सैम्यूल का फिफ्टी थाउजेंड ओके सॉरी उल्टा सैम्यूल का वन लाख एंड विलियम का फिफ्टी थाउजेंड हाउ डू वी टॉक अबाउट इट इन परसेंटेज टर्म्स इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट विलियम अर्निंग विलियम की कमाई इज 50% परसेंट ऑफ वॉट सैम्यूल इज दैट ट्रू बराबर है ना क्योंकि विलियम की कमाई इज 50,000 थाउजेंड और सैम्यूल की कमाई इज एक लाख तो वेन यू टेल दिस डायलॉग कि विलियम जो कमाता है ना दैट इज फिफ्टी परसेंट ऑफ वॉट सैम्यूल यूर टॉकिंग करेक्ट ओनली आपने परसेंटेज में अभी बात किया सम रेशियोज परसेंटेज में आते हैं कुछ रेशियोस प्यूअर होते हैं एंड लास्टली टाइम्स रेशियो मतलब क्या है अभी यही दो नंबर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड आप एक अलग एंगल से देख सकते हो वो टाइम्स का एंगल है उसमें आप क्या कहोगे सैमुअल अर्नस टू टाइम्स ऑफ वॉट विलियम अर्नस बराबर है इफ सैम्यूल विल टॉक बोलेगा देख मैं दो गुना कमाता हूं तेरे कमाई से बराबर है क्योंकि वो एक लाख कमाता है सामने वाला फिफ्टी थाउजेंड कमाता है इन ऑल द थ्री वेदर इट इज प्यूअर रेशियो परसेंटेज रेशियो और टाइम रेशियो द वर वन लाख एंड फिफ्टी थाउजेंड बट द वे एंगल देखने का मतलब यू कीप यू कीप समथिंग आप चार लोग को खड़ा करो ऑल द फोर पीपल विल लुक एट दैट ओके From a different angle. They are looking at the same thing. But depends upon, okay. You have heard about a, a kahani where certain blind men are taken to a elephant and asked to describe the elephant. And everybody in their own style touches a different part of the elephant, whether it is the trunk, whether it is the ears, whether it is the legs, and they describe elephant. -y. बट उन्होंने अपने अपने स्टाइल में उसको बोला कि एलिफेंट ऐसे दिखता है एलिफेंट को दिखता नहीं है मतलब हमको वैसे फील होता है कि एलिफेंट इस तरह का होना चाहिए ओके okay. टुडे हम लोग एक ही रेशो पढ़ रहे हैं ओके okay. तो लिखना तो है आपको यू डेफिनेटली हैव टू राइट बट दैट वन रेशो इज कॉल्ड एज विच रेशो करंट रेशो वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि ये रेशो में आपको क्या समझना है पहली बात तो आप ये समझो वॉट इज अ करंट एसेट वॉट इज अ करंट लाइबिलिटी वेन देर आर सम एग्जाम्पल्स देखो जनरली मैं आपको ये बता देता हूं कि करंट एसेट्स आर एसेट्स ऑफ वन ईयर दस साल नहीं पांच साल नहीं बीस साल नहीं वन ईयर करंट का मतलब वन ईयर दोज एसेट्स जो एक साल में कंपनी के बिजनेसमैन के दुकानदार के काम आएगी वो होते हैं करंट एसेट्स एग्जाम्पल्स अबाउ कैश बैंक डेटर बिल रिसीवेबल लूज टूल्स क्लोजिंग स्टॉक प्रीपेड दीज आर नेवर फॉर टू इयर्स डेटर कभी दो साल का होता नहीं है यू डोंट गिव अ डेटर वॉट यू कॉल डेटर ये आप गुड्स रखो एंड कम आफ्टर ट्वेंटी मंथ्स देन यू कम एंड पेमी नो ट्वेंटी मंथ्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम यू टेल दैट पर्सन वन मंथ फिफ्टीन डेज टेन डेज मेरे को मेरा पैसा चाहिए सो आई रिपीट माई सेल्फ बिल रिसीवेबल यू हैव लर्न ड्यूरिंग दिस ईयर इट इज नेवर फॉर सिक्सटीन मंथ्स टू ईयर्स थ्री इयर्स अरे कभी नहीं आज तक बना ही नहीं दो तीन साल किसने देखा है ओके okay. कौन जिंदा है कौन मर गया ओके okay. आजकल तो थोड़ा वो डिफिकल्ट भी हो चुका है हाँ करंट एसेट्स एसेट्स आर जो बिजनेसमैन को एक साल में काम आता है एंड करंट लाइबिलिटी आर लाइबिलिटी जो बिजनेस को एक साल में पे करने है सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग ओके ये जो एसेट का लिस्ट है ना दिस टेल्स द बिजनेसमैन एक साल में पैसा कहां से आएगा रिसिवेबल एक साल का और करेंट लाइबिलिटी ये जो ऊपर लिस्ट है डैट टेल्स द बिजनेसमैन एक साल में आपको किस किस को पे करना है क्रेडिटर को पैसे देने हैं बिल पेबल को पैसे देने हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस वेजेस होगा रेंट होगा एडवर्टाइजमेंट होगा आपको पैसे देने हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी एसेट का लिस्ट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पैसा किधर से आएगा एक साल में लाइबिलिटी का लिस्ट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पैसा किधर जाएगा एक साल में आई रिपीट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैं जन्म जन्म तक जीऊंगा नहीं देख भाई इफ यू हैव अ कंपनी मतलब ये रेशो जो है ना करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी हाउ इज इट हेल्पफुल क्या क्या काम का आता है ओके okay? ऐसा है इफ यू हैव अ बिजनेस कंपनी यू विल हैव करंट करंट एसेट लायबिलिटीज इट इज योर जिम्मेदारी टू पे योर करंट लाइबिलिटीज यू हैव टू पे क्वेश्चन मार्क क्रेडिटर को तू पैसे कहां से देगा बिल पेबल को तू पैसे कहां से देगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस बैंक ओडर वे विल यू पे

आप किसका पेमेंट करोगे इन वालों का इधर से पैसा आएगा इधर पैसा जाएगा क्वेश्चन मा क्या बराबर पैसा आएगा हां टू फाइंड दैट आउट ओके करंट रेशियो का एक स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड का मतलब क्या है टू इज टू वन आई रिपीट माई सेल्फ करंट रेशियो का एक स्टैंडर्ड है जिसको कहते हैं टू इज टू वन वट डू यू मीन बाइट Two is two अगर आपको ये वन रुपए का करंट लाइबिलिटी पे करना है एक रुपया किसी को पे करना है कोई आने वाला है दरवाजे पे वो पूछेगा मेरा एक रुपया दो तो आई रिपीट तुम्हारी जेब में कितना होना चाहिए दो रुपया देना है तो एक रुपया तो होना चाहिए अरे अगर मैं मेरी जेब का एक रुपया उसको दे दूंगा तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी तो आई रिपीट माइसेल अगर मैं किसी को पेट्रोल देने वाला हूं और मेरा पूरा पेट्रोल दे दू उसको तो अपनी तो गाड़ी बंद हो जाएगी ना हाँ अपने पास डबल पेट्रोल होना चाहिए तब जाके मैं थोड़ा पेट्रोल उसको भी दूंगा उसकी भी गाड़ी चल जाएगी अपनी भी कंटिन्यू होगी सो द स्टैंडर्ड मतलब करंट रेशियो का जब आंसर आता है इज इट अ गुड आंसर इज इट अ बैड आंसर वेल इफ इट इज टू इज टू वन इफ इट इज मोर देन दैट गुड आंसर चंगा सी इफ इट इज लेस देन दैट नॉट अ गुड आंसर इंप्रेशन अच्छा नहीं गिरेगा सो आई रिपीट राइट नाउ स्टैंडर्ड की चिंता नहीं करते वेरी सिंपल आंसर की चिंता करते हाउ डू यू कैलक्युलेट अ करंट रेशो सो माई डियर कलम और कागज मतलब नोटबुक लेके बैठ जाओ वी आर राइटिंग बाकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है बाउ अ कंपनी हैड फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट सो पूरा बैलेंस शीट नहीं बताया दे गिव यू सम करंट एसेट सम करंट लाइबिलिटीज यू रीड एंड फाइंड आउट ये करंट एसेट है ये करंट लाइबिलिटी ये करंट एसेट है ये करंट लाइबिलिटी लेट्स स्टार्ट डेटर आई रिपीट अच्छा डेटर तू कौन है करंट एसेट क्रेडिट आप कौन हो करंट लाइबिलिटी बिल पेबल करंट लाइबिलिटी स्टॉक करंट एसेट लूज टूल्स स्क्रू ड्राइवर नट बोल्ट ड्रिल मशीन ये सब लूज टूल्स होते हैं ओके पाना स्पैनर करंट एसेट बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी तो बेसिकली इन द लिस्ट अबाउ सम आइटम्स आर करंट एसेट्स, सम आइटम्स आर करंट लाइबिलिटीज हमको क्या करना है कैलक्यूलेट करंट रेशो ओके बस उतना ही करना येस बस उतना ही करना है सो एक काम करते हैं चालू करते हैं सो अ फ्यू थिंग्स दैट आई विल वेरी क्विकली जॉट डाउन पहले तो फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं यू कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला प्लीज राइट द फॉर्मूला देन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन द लिस्ट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी ओके लिस्ट मत लिखना दैट इज जस्ट मी रिमाइंडिंग यू याद दिला रहा हूं मैं फॉर्मूला लिखना करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी नाउ विच व करंट तो हमको करंट एसेट का टोटल आ जाएगा वैल्यूज वेल थाउजेंड थर्टी थाउजेंड टेन थाउजेंड एक लाख यू ऑल्सो राइट ना करंट एसेट तीनों प्लस 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 करंट लाइबिलिटीज का क्या था उसमें भी तीन एग्जाम्पल्स थे क्रेडिटर था बिल पेबल था बैंक ओवरड्राफ्ट था उसके वैल्यूज को ऐड करो करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा ओके सिक्सटी थाउजेंड सो वेन यू आर कैलक्यूलेटिंग अ करंट रेशो वेरी सिंपल दो मसाले होने चाहिए एक करंट एसेट एक करंट लाइबिलिटी हाँ आ गया ना अब क्या करूं? इनको फॉर्मूला में लिखो तो ऊपर फॉर्मूला है एवरी वन डिनोमिनेटर नीचे न्यूमरेटर ऊपर हाँ तो न्यूमरेटर इज वन लैख हाँ तो लिखो ना डिनोमिनेटर इज सिक्सटी थाउजेंड वो भी लिखो फिर क्या करने का फिर कैंसिलेशन करना है और क्या करना है कैंसिलेशन करना है ओके okay. तो इफ आई कैंसिल देखो यार जीरोस तो कट जाएगी मतलब मैंने वो भी कट करके दिखा दिया है बट यू कैन डू दैट फिर बचेगा क्या सी दो जो अब एक्सीलेंट इन मैथमेटिक्स उनका आंसर ऐसे आएगा बट तो भी मैं थोड़ा लंबा खींच के बता रहा हूं टेन अपॉन सिक्स इफ यू डू योर टेबल करेक्ट बट टू यू विल गेट फाइव अपॉन थ्री फाइव अपॉन थ्री रेशो में दैट्स अ फ्रैक्शन रेशो में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा फाइव इज टू थ्री री गुड फाइव अपॉन थ्री रेशो में बिकम्स फाइव इज टू थ्री वॉट इज फाइव इज टू थ्री इट्स अ रेशो दिस इज अ प्योअर रेशो करंट एसेट वेन यू राइट इट ऑलवेज इज रिटर्न एज अ प्योअर रेशो परसेंटेज में वी डोंट राइट टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स वी डोंट राइट वी राइट इट एज अ प्योअर रेशो आंसर क्या है फाइव इज टू थ्री मैनी स्टूडेंट इधर आंसर किधर अरे बाबा फाइव इज टू थ्री आंसर है मतलब क्या टू पे थ्री व्री दैट इज द लाइबिलिटी फाइव क्या है एसेट करंट लाइबिलिटी करंट एसेट टू पे थ्री रूपीज करंट लाइबिलिटी यू हैव इन योर पॉकेट पांच रुपया ऑफ करंट एसेट नाउ वेदर दैट इज गुड और बैड अभी हम लोग वो डिस्कस नहीं करते आपको सिर्फ मैथमेटिकली आंसर ढूंढना है कि बाबा रेशियो कितना आता है दैट इज द रेशियो सो दैट इज आर दैट वॉज आर फर्स्ट प्रॉब्लम लेट मी टेक स्टोरी प्लीज रीड अबाउ दैट्स इट अ सेकेंड क्वेश्चन इट इज रिटर्न एक्टिविटी प्रॉब्लम नंबर वन ओके पहला था आई थिंक इलेस्ट्रेशन वन द कंपनी हैड फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लाइब्रेज वेरी सेम डेट करंट एसेट क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी बिल पेबल करंट लाइबिलिटी स्टॉक करंट एसेट लूज टूल्स करंट एसेट बैंक ओवरड्राफ्ट एकदम सेम कैलकुलेट करंट रेशो दैट्स इट, हमको करंट एसेट का टोटल करंट लाइबिलिटी का टोटल एंड देन एक प्योर रेशो ढूंढ के देना है हम लोग ने अगर वो ढूंढ के दे दिया हमारा काम बन गया हमको मार्क्स मिल गया ओके okay? टुडे आई रिपीट देर आर एटलीस्ट अराउंड टेन रेशोस बट आज नहीं आजकल तो एक ही रेशियो कर रहे हैं हम लोग ओके सो आंसर में क्या आएगा आंसर में एक्सप्लेनेशन आएगा पहले फॉर्मूला लिख लो यू ऑल्सो ओके एवरीबडी ऑफ यू प्लीज राइट द फॉर्मूला तो ये हो गया करंट एसेट थोड़ा उधर से थोड़ा इधर से एंड करंट लाइबिलिटीज डोंट हैंट एसे करंट लाइबिलिटीज का लिस्ट राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अमाउंट विच इज कमिंग नाउ सेम थ्री करंट एसेट्स लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम डेटर था स्टॉक था लूज टूल्स था टोटल एड करूंगा नाइंटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड वन लैख फिफ्टी करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर था बिल पेएबल था बैंक ओवरड्राफ्ट था एड करूंगा टोटल आएगा सेवेंटी फाइव ओके नाउ दैट ये दोनों आपने ढूंढ लिया या आपने कॉपी कर लिया इसका सब्स्टिट्यूशन ऊपर तो एक तो न्यूमरेटर वन लैख फिफ्टी एक डिनोमिनेटर वॉट कैन यू डू तीन जीरो तो कॉमन है ना तीन जीरो तो उतना कैंसिल कर लो रे आपका जो स्टाइल है कैंसिल करने का देन एक्चुअली सेवेंटी फाइव का टेबल बहुत बड़ा है बट सिंपल है सेवेंटी फाइव वन ज़ा इज सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी फाइव टू झाज वन फिफ्टी सो वेन यू कैंसिल मैंने फाइव का टेबल यूज किया यू कैन यूज एनी टेबल आई एम गेसिंग फिफ्टीन का टेबल आई एम गेसिंग फाइव का टेबल चल जाएगा यू हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट फॉर्म कट कट करके लीस्ट फॉर्म में क्या बच जाता है टू अपॉन वन टू रुपीज करंट एसेट वन रूपी करंट लाइबिलिटी हाउ डू यू राइट इट इन टू अ प्योअर रेशो वेल ये फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो टू इज टू वन प्योअर रेशो करंट रेशो आ गया गुड है बैड है राइट नाउ यू डोंट हैव टू गेट इन टू दैट एंगल ये है उतना आपको एग्जामिनर को बताने का है ओके सो दैट्स आर सेकेंड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू द थर्ड वन क्योंकि आज मुझे ये खत्म करना है सो दैट नेक्स्ट टाइम में आपको नेक्स्ट रेशो स्टार्ट कर सकू सो इफ यू कैन प्लीज हैव अ लुक अबाउट दिस इज फ्रॉम द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैटेगरी ऑलवेज द क्वेश्चन नंबर इज टोल्ड एग्जैक्टली वो कहां से लिया गया है कंपनी है डेटर था करंट एसेट बिल पे करंट लाइबिलिटी लूज टूल करंट एसेट तो थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो चुका है क्रेडिट करंट लाइबिलिटी स्टॉक करंट एसेट बैंक ओवर ड्राफ करंट लाइबिलिटी अगेन नंबर अमाउंट आर चेंज ऑब्वियसली एंड सीक्वेंस बट यू शुड बी एबल टू एज अ डॉक्टर वेन यू डू द तपास चेकअप यू शुड कम टू नो आप करंट एसेट हो आप करंट लाइबिलिटी हो कैलक्युलेट करंट रेश हो चलो कर लेते हैं सो नॉर्मल अपना प्रक्रिया प्रोसेस पहले तो लेट मी राइट दी फॉर्मूला एंड टू रिमाइंड यू देखो भाई ये करंट एसेट है ये करंट लाइबिलिटी है इन दिस प्रॉब्लम ओके व्हाट वाज़ द टोटल ऑफ करंट एसेट वेल वो डिपेंड करता है कि व्हाट वाज़ द अमाउंट्स ऑफ द वेरियस करंट एसेट्स सो जस्ट लाइक द प्रीवियस टू प्रॉब्लम डेटर भी था लूज टूल्स भी था स्टॉक भी था आगे पीछे हो गया रहेगा बट दैट्स फाइन अच्छा अमाउंट कितना था देख लो आ रहा है वन लैख ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी थाउजेंड वो वन लैख फोर्टी हो जाएगा प्लस सिक्सटी टू लैक्स सिंपल यू डोंट हैव टू पिक अप अ कैलकुलेटर यू डोंट हैव टू गो ऑन द कैलकुलेटर ऐप ऑन योर मोबाइल फोन ये मतलब माइंड में हो जाता है करंट लाइबिलिटी जैसे ये फेसबुक हट जाएगा आपको वो दिख जाएगा उसका फेस दिख जाएगा

Maybe at this level, 12 12th standard, it may not be a lot interesting. It may not be a lot useful. But one thing I can always say: confirm, lik ke agreement mein. Kya? Agar aga jaake, you do further studies, any further studies you do, agar accounts and especially finance ke saath mein, if there is a subject which is connected, there are many subjects. Okay? One of the major chapters which is

चलो भाई चार चार जीरोस चले गए देन डिपेंड्स अपॉन व्हाट टेबल यू डू मतलब कम से कम तो एटलीस्ट आप टू का टेबल तो कर ही सकते हो देन उसको भी कैंसिल कर लो क्या आएगा फाइव अपॉन थ्री दैट इज लीस्ट फॉर्म फाइव अपॉन थ्री इज द लीस्ट फॉर्म उसको प्योर रेशो में कन्वर्ट कर लो ओके okay, कोई बड़ा बात तो नहीं है फाइव इज टू थ्री आंसर

यूट्यूब पे हर लेक्चर पे अवेलेबल तो होता ही है देन आ लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी क्यूट लुकिंग कैलक्यूलेट करंट एसेट वेल नॉट कैलक्यूलेट कैलक्यूलेट लास्ट में है वॉट इज करंट इश्यू देव गिवन टू यू सो नाइस थाली पे परोस के दिया है क्या करंट एसेट का टोटल करंट लाइबिलिटी का टोटल थ्री लैख वन लैख तो हमारा तो काम और कम हो गया सो फॉर्मूला प्लीज राइट वेन एवर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और इन एनी स्टैंडर्ड इफ यू आर सॉल्विंग दिस चैप्टर फर्स्ट थिंग फॉर्मूला लिखो ओके okay? हाँ बाकी काम वो मेरा एक्स्ट्रा काम है आपके लिए

and 1 lakh. is numerator denominator bana do. if you can which you should Hey, i can cancel 5 5 0's into What karluna very simple 3 upon 1 but make it into a pure ratio no problems i'll do that also 3 is to 1 this is the very very simple answer of current ratio there are many ratios that i have to teach you and I will be doing that in upcoming lectures. Just very quickly to remind you the entire list. This is the entire list. I have only done the first one. Tip of the iceberg. First one. Uske neechay, there is a quick ratio. That is what I will be getting into the next time we meet. Okay. So aaj ke liye itna hi rakte not taking up any more of your precious time. Please do remember. The PDF of the question and answer will be available as in when the chapter comes to an end on the Telegram platform as well as whenever the chapter comes to an end, it will be associated linked to the description below. Okay, agarabko explanation samaj explanation, Which I really hope I do because that's my only job on this channel. Please do like the video, share it with as many friends as possible, share it with anyone as possible. Okay, because it is only going to be useful to anybody who watches this particular lecture, which is based on ratio analysis. Okay, do click the bell icon so that you are uh, notified about uh, upcoming lecture videos, depends upon which uh, chapter and what lecture is being taught. You will be notified about it through uh, YouTube. And if you have any doubts about this particular lecture, you can यूज द कमेंट सेक्शन फॉर पोस्टिंग योर डाउट्स वी विल डू अ बेस्ट टू गिव एन आंसर कंसर्निंग दोज पर्टिक्यूलर डाउट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं जल्दी मिलेगी विथ कंटिन्यूएशन तब तक अपना ख्याल रखना टेक केयर ऑफ योर सर टेक केयर ऑफ़ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स टेक केयर ऑफ यूर लवली फैमिली मेम्बर्स आई विल मीट यू वेरी वेरी सो दिस इज स्टीवन सर दिस इज अ गुड बाई फ्रॉम मी गुड डे टू ऑल ऑफ यू गॉड प्लेस